हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बैटरी परसेंटेज के बारे में। जैसे कि हम बैटरी परसेंटेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाना है। नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर स्टेटस बार पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बैटरी परसेंटेज। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि इनसाइड बैटरी आइकन, यानी कि इनसाइड रखना चाहते हैं, आउटसाइड बैटरी आइकन यानी बाहर की साइड रखना चाहते हैं, और डू नॉट शो यानी कि शो नहीं करना है, तो डू नॉट शो पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन। नोटिफिकेशन आइकन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शो नंबरिंग, यानी कि नंबर में आप शो कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, और डू नॉट शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको बैटरी स्टाइल देखने के लिए मिलता है। बैटरी स्टाइल को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो राइट साइड से हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपका फ़ोन में नेट ऑन होना चाहिए या फिर वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपके यहाँ पर ऊपर शो हो जाती है। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और फैंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स हैं, इनके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।